हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे बेसिक स्पेलिंग रूल का एक्सटेंशन है सफिक्स एंड इन्फ्लेक्शन रूल्स। हम वर्ड्स को सफिक्स ऐड करते हैं तो तब भी हमें थोड़े रूल्स का ध्यान देना चाहिए। तो आज भी इस वीडियो में आप देखेंगे वो सफिक्स क्या होता है और उसका इन्फ्लेक्शन रूल क्या होता है, मतलब हमें फॉर्म को कैसे चेंज करना होगा, वर्ड फॉर्म को कैसे चेंज करना होगा, ये सभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आज इस वीडियो पे आप देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहला डेफिनेशन, वर्ड्स एंडिंग विद साइलेंट ई। डेफिनेशन देखते हैं पहला, ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग ए सफिक्स विच बिगिंस विद ए वोवेल। तो यहाँ पे ई को छोड़ देना है, कब? अगर सफिक्स वोवेल से स्टार्ट होता है तो हमें वर्ड का साइलेंट ई को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि स्टेट, तो हमें इसमें स्टेटिंग कर रहे हैं, सो आईएनजी ऐड कर रहे हैं, तो आईएनजी में पहला लेटर वोवेल है, तो तब भी आप वोवेल का सफिक्स ऐड करते हो तो ई को ड्रॉप कर देना चाहिए, ठीक है। लाइक, लाइकिंग, बहुत सिंपल सा रूल था। नेक्स्ट देखते हैं, कीप द ई व्हेन द सफिक्स बिगिन विद अ कंसोनेंट। अगर सफिक्स कंसोनेंट से बिगिन होता है तो हमें ई को नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि स्टेट, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मेंट जो है, सफिक्स जो है यम से, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसने हमने ई को नहीं छोड़ा था, ठीक है। यूजफुल, तो इसमें भी ये यफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमने ई को नहीं छोड़ा था। तो अब हम देखते हैं अगली रूल। सो अगला रूल है, व्हेन वाई इज़ द लास्ट लेटर इन योर वर्ड एंड द वाई इज प्रीसीडेड बाई ए कंसोनेंट, चेंज द वाई टू आई बिफोर एडिंग एनी सफिक्स एक्सेप्ट दोज बिगिनिंग विद वाई। डेफिनेशन थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है बट बहुत आसान है। देखिए, वाई को हमें आई में कन्वर्ट करना होगा। कब कन्वर्ट होगा? अगर वाई लास्ट लेटर होता है एंड वाई के आगे कंसोनेंट होता है, तो मतलब कंसोनेंट वाई लास्ट पैटर्न में रहता है, तो हमें वो चेंज करने से पहला वाई को आई जैसा कन्वर्ट करना चाहिए, वही बोल रहा है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि बिफोर एडिंग एनी सफिक्स एक्सेप्ट दोज बिगिनिंग विद वाई, अगर सफिक्स वाई से स्टार्ट होता है तभी ये रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वाई आई के जैसा चेंज नहीं होता है अगर सफिक्स में वाई होता है, वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर वाई से नहीं स्टार्ट होता है सफिक्स, तो हमें वाई को पहला आई जैसा कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ब्यूटी। सो ब्यूटी में लास्ट अल्फाबेट्स आप देखेंगे तो कंसोनेंट उसके बाद वाई है, तो इसीलिए हमें वाई को हटा के आई को रखना है, सो ब्यूटीफुल, ओके। तो यहाँ पे भी हम आई से ऐड करें सफिक्स, तो हमें एक्सेप्शन का कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट फ्राई, फ्राइज, ठीक है, लेडी, लेडीज। तो इस सारे एग्जाम्पल्स में कंसोनेंट, कंसोनेंट के बाद वाई आ रहा है और जो भी हमने सफिक्स ऐड किया था उसमें कोई वाई नहीं है पहला, तो हमें वाई को आई जैसा कन्वर्ट करना होगा। शायद अब ये रूल सिंपल हो गया। तो जहाँ जहाँ हमें वाई आता है तो हमें आई को कन्वर्ट करते हैं, एक्सेप्शन में सफिक्स के, सफिक्स में वाई आता है तो हमें चेंज नहीं करना होगा। अब हम देखते हैं अगली रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे ये सिंपल सा रूल थे, ये आपको पहले ही पता है, व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ ए वर्ड विच एंड्स विथ ए वाई दैट इज प्रीसीडेड बाय ए वोवेल एड एस, ठीक है। मतलब क्या है, ये रूल हम ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल में देख चुके होंगे। तो अगर प्लूरल ऑफ ए वर्ड एंड्स विद ए वाई, अगर वो वाई से एंड होता है, ओके, एंड प्रीसीडेड बाय ए वोवेल, अगर उसके आगे वोवेल होता है, देन ऐड एस, मतलब उसको हमें एस ऐड करना होगा।
अब थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे. टॉय टॉयस, मंकी मंकीज. तो वोवल वोवल के बाद में हमें वाई आ रहा है, तो हमें प्लूरल में एस ऐड करना होगा. तो ये है आज का वीडियो. होप हम देखते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हैप्पी लर्निंग.